अवैध रूप से शराब बिक्री अब कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। प्रदेश के कई जगहों पर अंधाधुंध अवैध शराब की बिक्री हो रही है। ऐसा ही एक मामला मेहर से सामने आया है, जहां शराब कंपनी को मेहर में शराब बेचने का ठेका मिला था, लेकिन शराब कंपनी गांव गांव में अवैध रूप से शराब बेच रही है। इसी के चलते कंचनपुर मोड़ पर अवैध रूप से खुली शराब की दुकान को बंद करने के लिए ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। ये मामला मेहर के कंचनपुर का है, जहां कंचनपुर मोड़ पर अवैध रूप से खुली शराब की दुकान को बंद करने के लिए विरोध में समाजवादी पार्टी के बैनर तले ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया, साथ ही शराब कंपनी के खिलाफ नारेबाजी की। दर्शन शराब कंपनी ने शराब बिक्री का ठेका मेहर का लिया हुआ है, लेकिन शराब कंपनी अवैध रूप से गांव गांव में शराब बेच रही है। समाजवादी पार्टी ने एक दिन पूर्व भी विरोध प्रदर्शन किया था, लेकिन आज दूसरी दुकान बंद करवाने के लिए समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ग्रामीणों समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर कंचनपुर मोड़ पहुंचे, जहां पर उनके द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। साथ ही समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी ने कहा कि अवैध तरीके से जो ग्रामीण क्षेत्रों में शराब की बिक्री हो रही है, उस पर रोक लगनी चाहिए, अन्यथा हम उग्र आंदोलन करेंगे। यहाँ पे जो है भाटिया ग्रुप के द्वारा अवैध शराब महीनों कई महीनों से बेची जा रही है, जिस कारण से हम यहाँ की औरतें बहुत परेशान हो रही हैं, उनका शोषण हो रहा है। हर प्रकार से एक्सीडेंट होते नेशनल हाईवे में संचालित कर रही भाटिया ग्रुप अवैध शराब, जगह जगह में सब्जी तरकारी जैसी बेची जा रही है इनके द्वारा। इसलिए धरना यही है कि अवैध शराब टोटल बंद की जाए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।